हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के छात्रों के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के वो छात्र जो 2022 में टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी जो है अभी तक अटेंडेंस को लेकर सीरियसली नहीं है तो सीरियसली हो जाइए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10 एंड 12 के उन सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अटेंडेंस को लेकर। यानी ईआरपी सिस्टम को जो है सीबीएसई बोर्ड लाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि क्लास 10 एंड 12 के वो छात्र जो टर्म 1 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद वो टर्म 2 की परीक्षाएं की भी तैयारी करेंगे, तो उन सभी छात्रों को लेकर जो है अटेंडेंस को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। नई व्यवस्था के अनुसार जो है सीबीएसई बोर्ड आपके लिए जो है एक न्यू सिस्टम लाने के बारे में सोच रहा है, यानी ईआरपी, जिसके तहत जो है सभी स्कूलों को जो है सीबीएसई बोर्ड एक यूजर आईडी और पासवर्ड मुहैया कराएगा। इसके माध्यम से जो है हर महीने बच्चे की जो है अटेंडेंस रिपोर्ट जो है स्कूलों की तरफ से सीबीएसई बोर्ड को भेजी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड जो है अटेंडेंस को लेकर जो है सीरियस होना चाहता है, यानी इससे पहले आप लोग जान रहे होंगे 2019 और 2020 में जब से जो भारत में कोविड आया, यानी 2020 और 2021 में जब भारत में कोविड आया तब से जो है सीबीएसई बोर्ड जो है ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद जो है अटेंडेंस को लेकर जो है छात्रों को थोड़ी सी जो है छूट दे दी गई है, लेकिन अटेंडेंस को लेकर अब सीबीएसई बोर्ड अगेनली जो है पहले की तरह ही स्टिक होने वाला है, यानी जिसकी भी जो है 75% अटेंडेंस नहीं होगी उनकी जो है एडमिट कार्ड रोकने के बारे में तैयारी की जा रही है। अगर आप भी जो है क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हो, अटेंडेंस को लेकर जो है अभी तक सीरियस नहीं है तो आपको सीरियस हो जानी चाहिए, चाहे क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो रही हो या ऑफलाइन क्लासेस हो रही हो, अटेंडेंस जो है आपको प्रॉपरली जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है हर एक बच्चों का जो डेटा है सीबीएसई बोर्ड को ऑनलाइन स्कूलों की तरफ से भेजी जा रही है, और ये अटेंडेंस को जो है सीबीएसई बोर्ड लास्ट में कैलकुलेट भी करेगा। यानी सीबीएसई बोर्ड का जो ईआरपी सिस्टम लाया गया है इसके तहत जो है सीबीएसई बोर्ड जो है कभी भी किसी भी बच्चों का जो है पूरी कंप्लीट जो है डिटेल स्कूल से मांगने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड जो है पूरी कंप्लीट जो है एक क्लिक से हर एक बच्चों का पूरी कंप्लीट जो है अटेंडेंस की रिपोर्ट निकाल लेगा। यहां पे कंप्लीट पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड जो नई ईआरपी सिस्टम ला रहा है इसके बाद जो है बोर्ड जब चाहे किसी भी बच्चे की अटेंडेंस दे सकता है और उसी अनुसार जो है 75% अटेंडेंस का जो क्रिटेरिया है वो तय कर सकता है कि किस बच्चों को जो है एडमिट कार्ड दिया जाना है और किस बच्चों को जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया जाना है। ये पूरी कंप्लीट जो है अटेंडेंस को लेकर ईआरपी सिस्टम को लेकर बातें निकल के सामने आ रही है। इससे पहले भी जो है आपके स्कूल जो है हर एक 10वीं 12वीं के बच्चों का जो अटेंडेंस है वो एवरी मंथ जो है सीबीएसई बोर्ड को भेजते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है इसमें ईआरपी सिस्टम को जोड़ने की बात कर रही है। यानी ईआरपी सिस्टम आने के बाद जो है अटेंडेंस को और अच्छी तरीके से ट्रैक किया जा सकता है, ये सीबीएसई बोर्ड का दावा है। तो अगर ईआरपी सिस्टम आती है तो अटेंडेंस को लेकर जो है आपको भी पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। यानी आपके स्कूलों में आप क्लासेस हो रही है और आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी ट्यूशन क्लासेस होती है उस वक्त, फिर आप क्लासेस को जानबूझ के अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपको सावधान हो जाना चाहिए, चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो। तो फ्रेंड्स, हम आगे बात करें लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स आपने गेम वगैरह तो बहुत ही खेले होंगे लेकिन कभी आपने गेमिफाइड बैटल दिया है जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं और लेदर बोर्ड में लाइव स्कोर देख सकते हैं। इसी को लेकर एनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा एनअकैडमी कॉम्पिटेज जो होने जा रहा है 15 अगस्त को। पूरी तरीके से इनरोलमेंट जो है फ्री होने वाली है, अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो कम्प्लीटली जो है आप फ्री में इनरोल कर सकेंगे। क्लास 6 से 12 तक के हर एक छात्र जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप, यानी कि 8th में पार्टिसिपेट करके जो है 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी पा सकते हैं। लगातार कोड फ्लैश हो रहा है, सीखे 12 स्कोर के माध्यम से जो है फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। ये लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी से आपको इनरोल करना होगा, लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेस्ट की और डिटेल की बात करें तो क्लास 6 से 12 तक के छात्र जो है हर एक छात्र जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट जो है पूरी तरीके से आपका फ्री होने वाला है। क्लास 6, 7, 8 का जो है टेस्ट की जो टाइमिंग होने वाली है 15 अगस्त 12 PM पे होने वाला है। 9 और 10 का जो होने वाला है 11 AM पे आपका टेस्ट होने वाला है और 11 और 12 क्लासेस का जो है 1 PM पे टेस्ट होने वाला है। एनरोलमेंट पूरी तरीके से फ्री होने वाली है और साथ ही साथ जो है 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो देर किस बात की कर रहे हैं, कहीं आप पीछे ना हो जाए और आपके हाथ से ये मौका ना चले जाए, तो जल्दी से जाइए और अभी से इनरोल कर लीजिए। इनरोलमेंट पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके लिए फ्री है, लगातार कोड फ्लैश हो रहा है, सीखे 12 कोड के माध्यम से आप लोग फ्री में इनरोल कर सकते हैं। और एक और आपके लिए एक और अच्छी खबर की बात करूं, तो आप एनअकैडमी के अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सीखे 12 कोड को इस्तेमाल करते हैं तो एडिशनली जो है आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो हुआ ना आपके लिए सबसे अच्छी बात, तो जल्दी जल्दी से आइए, इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से अपने क्लास वाइज जो है लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज निकल के सामने आएगा। एनरोलमेंट करना काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर जैसे सिंपली जो है ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा, कोड जो है लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है सीखे 12 कोड को, जैसे इंटर करेंगे तो आप जो है सिंपली यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे। तो है ना इनरोलमेंट काफी सिंपल, तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए, लगातार कोड स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है सीखे 12। 2022 में जो है बोर्ड आपके दो होने वाले हैं, पहला टर्म 1 होने वाला है जो नवंबर दिसंबर में होगा, दूसरा जो है आपके टर्म 2 होने वाला है जो आपके मार्च अप्रैल में होंगे। तो ऐसे में जो है आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करिए, साथ ही जो है 2022 को लेकर और भी कोई अपडेट आएगी तो उन अपडेट को जो है सबसे पहले आप इस चैनल पे पाएंगे। तो अगर आप हमारे
चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपके बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आपको यहाँ पर देते रहता हूँ। साथ ही साथ जो है आपके बोर्ड के कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसी वीडियो जो है तमाम ऑल टाइप की वीडियो जो है आपके बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहती है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी किस वीडियो में इतना ही बच्चों, जय हिंद।